तो हम डीएनएस सर्वर स्टार्ट कर रहे थे। डीएनएस सर्वर का पैकेज जो होता है बाइंड होता है लिनक्स पे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डीएनएस का जो पैकेज होता वो होता है बाइंड, ठीक है। तो बाइंड का पहले पैकेज हमको देखना पड़ेगा इस मशीन में है तो नहीं अवेलेबल। क्या चेक करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी है इसमें डीएनएस का पैकेज, तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरा मोड लेना चाहिए। यहां पे चेक करते हैं, यहां पे डीएनएस का पैकेज अवेलेबल है कि नहीं। यहां पे डीएनएस का पैकेज अवेलेबल नहीं है, लाइब्रेरी है ओनली डीएनएस की। तो वी कैन यूज द मशीन टू इंस्टॉल डीएनएस सर्वर, यम इंस्टॉल वाइड। ये बाइंड का पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, ये सब मैं आपको एनसीएल से बताऊंगा जब मैं एडवांस स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, इट वुड बी गुड इफ यू ट्राई टू इंस्टॉल बाइंड पैकेज विद स्टार। यस, पैकेज हैज बिन इंस्टॉल, यू कैन चेक द पैकेज थ्रू आरपीएम स्पेस हाइफन क्यूए कमांड। ये इंस्टॉल होगा पैकेज। अब क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कॉन्फिगर डीएनएस सर्वर, है ना। तो डीएनएस सर्वर कॉन्फिगर करने के लिए आप तीन चीजें मेरे को माइंड में डाल लो। पहला, डीएनएस की कॉन्फिगरेशन फाइल कॉन्फिगर करना है हमको। दूसरा, जोन बनाना है, किस जोन के लिए हमें नेम टू आईपी और आईपी टू नेम रिजोल्विंग चाहिए, ठीक है। थर्ड, क्लाइंट सेटिंग, क्लाइंट कैसी सेटिंग करेगा डीएनएस की, वो तो नॉर्मल है हमको पता ही होता है, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे वो, ठीक है। ये लिनक्स मशीन है, विंडोज मशीन है, कैसे सेटिंग करते हैं लिनक्स में। अब डीएनएस की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है named.conf। कहाँ होती है, विम से ओपन करो, विम चल रहा है कि नहीं, नहीं चल रहा है तो विम का पैकेज इंस्टॉल कर लो। विम इज पावरफुल टूल्स, यू कैन इजिली फाइंड द एरर थ्रू थ्रू विम थ्रू विम कमांड, है ना। अगर आप कोई फाइल को ओपन करते हो, आपकी फाइल में आपने कॉन्फिग में कोई कोड गलत लिखा है, इट विल शो यू, है ना। ये होती है डीएनएस की कॉन्फिगरेशन फाइल etcname.conf, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी कॉन्फिगरेशन फाइल को कॉन्फिगर करना है, ये है कॉन्फिगरेशन। कैसे करना है कॉन्फिगर, इसको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है इसमें, ये कमेंटेड है। डीएनएस की कॉन्फिग फाइल को अगर कमेंट करना है तो आपको हैश लगा दो या फिर डबल स्लैश, ठीक है। अब लिसन इन पोर्ट 53, डीएनएस जो काम करता है पोर्ट 53 पे काम करता है और यूडीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। डीएनएस डजंट वर्क इन टीसीपी प्रोटोकॉल, इट ऑलवेज वर्क इन यूडीपी प्रोटोकॉल। तो ये आपने बताना है कि आपका डीएनएस सर्वर कौन सा है। तो मेरे डीएनएस का आईपी क्या है, 192.168.0.7 है। तो यहां पे लूपबैक आईपी है, आप इसको मेंशन रहने दो, यू कैन रिमूव एज वेल, है ना। अगर आप चाहते हो इसको रिमूव करना, रिमूव भी कर सकते हो, बट बढ़िया ये होगा कि लूपबैक को मेंशन रहने दो। आपको ओनली डीएनएस का आईपी ऐड करना है, ठीक है। मल्टीपल डीएनएस का आईपी डाल सकते हो आप, अगर आपके में मल्टीपल आईपी है, है ना। तो 192.168.0.7 है मेरे में, तो मैंने ओनली यही ऐड किया है।
उसके बाद हमें ये बताना अलाउ क्वेरी, मेरे डीएनएस सर्वर से क्वेरी कौन कौन सी मशीन करेगी, कोई भी मशीन कर सकती है तो एनी कर दूंगा। अगर कोई पर्टिकुलर नेटवर्क है तो सिक्योरिटी रीजन हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर नेटवर्क अलाउ करते हैं अपने लैन एनवायरमेंट में, ठीक है। मैंने चाहता कि अदर भी मेरे डीएनएस सर्वर पे आए और रिजॉल्विंग ले डीएनएस से, ठीक है, कि ये टीम कुछ लिमिटेड साइट्स हैं उनके लिए मैं पॉलिसी लगा सकता हूँ, ठीक है। आप लगाना तो आप लगा भी सकते हो, सपोज मैंने लिखा 192.168.0.0+24 सबमिट किया है, यही नेटवर्क मेरे डीएनएस से रिजॉल्विंग लेगा। अगर इस नेटवर्क का कोई भी आईपी मेरे डीएनएस सर्वर के पास आता है तो मेरा डीएनएस सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, क्लियर है। या फिर आप इसको एनी कर दो, अगर पब्लिक डीएनएस होता है तो हम एनी करते हैं, ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं इसमें। इसमें देखो इंक्लूड दो फाइल इंक्लूडेड है इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, एक है ईटीसी के अंदर name.rfc1912.com और दूसरा name.root.key, ठीक है, ये आरएनडीसी की होता है और इसको यूज करते हैं डीडीएनएस के लिए। डीडीएनएस हो रहा है डायनेमिक डीएनएस सर्वर, जब डीएससीपी आप सेटअप करते हो ना अपने एनवायरमेंट, जब डीएससीपी सेटअप करते हो आपकी क्लाइंट मशीन डीएससीपी से आईपी लेती है तो डीएससीपी क्या करता है, होस्ट नेम देता है, कब देगा, जब आप डीडीएनएस सेटअप करोगे डायनेमिक डीएनएस सर्वर, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हर एक मशीन का होस्ट नेम होगा या फिर वो इस मशीन के होस्ट नेम उठा लेगी अपने आप, ठीक है, कहां से, जो कंप्यूटर में नहीं आपका होस्ट नेम होता है, देखा क्या अभी, तो हाँ उसे बाय डिफॉल्ट नेम उठा लेती है और वो नेम को रजिस्टर्ड कर देती है डीडीएनएस में और अपने आप उसकी एंट्री डायनेमिकली एंट्री होती है डीएनएस की, जो जोन की नेम टू आईपी आईपी टू नेम है ना वो डीडीएनएस में डायनेमिकली एंट्री होती है, इसको बोलते हैं डायनेमिक डीएनएस सर्वर। हम स्टेटिक डीएनएस सर्वर सेटअप कर रहे हैं, मतलब हम रिकॉर्ड हम मैनुअली ऐड करेंगे, अगर डीडीएनएस सेटअप करते हो तो आपको डायनेमिकली अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन डीडीएनएस यूज कब होता है, विद डीएससीपी होता है, विदाउट डीएससीपी यू कैन नॉट कॉन्फिगर डीडीएनएस सर्वर, ठीक है, क्योंकि डीडीएनएस की कॉन्फिग आपको डिफाइन करनी पड़ती है डीएससीपी की कॉन्फिगरेशन फाइल के अंदर, क्लियर। मैं आपको दिखाऊंगा अपने काम अपने हम कैसे डीडीएनएस यूज कर रहे हैं, क्लियर है, ओके। तो कुछ गलत हुआ है क्या, हाँ जी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 192.168.0.7 तो यहाँ पे हमने एनी कर दिया, बिल्कुल दे सकते हो, दे सकते हो बिल्कुल, डोमेन नेम भी दे सकते हो, मैंने एनी दे दिया, पता नहीं कितने कितने डोमेन में ऐड करूँ फ्यूचर में, ठीक है। Clear? और ये आपका आपका जोन फाइल है, क्या है आपका जोन फाइल का पाथ है, जहां पे जोन फाइल का पाथ है डिफाइन करोगे आपकी आपकी जोन फाइल होगी तो, ठीक है, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अगर आप इसको हटाते हो तो आपको जोन फाइल का फाइल जोन फाइल का पाथ इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर देना पड़ेगा, लेकिन ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आपको जरूरत नहीं है आपको इस फाइल को ओपन करना है, सेव करो इसको मैं, अब वो फाइल किया जाए ओपन, ये फाइल मैंने ओपन किया, वी आई ओपन कर दिया क्या, ठीक है। अब देखो ये ऑलरेडी हमारा, मैं कौन सा एग्जाम्पल डॉट कॉम का डोमेन ले लू, एग्जाम्पल डॉट कॉम डोमेन ले लेते हैं, ठीक है, जूम के लिए ये ऑलरेडी एंट्री है इसकी, तो आपको एक काम करना है कि पांच फाइल यहाँ से 1 2 3 4 ये क्लोज हो रहा है प्रोग्राम, ये फॉरवर्ड जोन क्या है, क्या ये, तो आपका फॉरवर्ड जोन क्या होगा, एग्जाम्पल डॉट कॉम, ठीक है, और जोन फाइल कहाँ बनेगी, ये जो फाइल का नाम दे रहा हूँ F.zone, ये F.zone फाइल बनाना पड़ेगा आपको,
ये फाइल बाय डिफॉल्ट इसका पाथ क्या है पता है, स्लैश वेयर स्लैश नेम्ड। अगर आप ऐसे देखोगे डेटा स्लैश एफगुड्स, मतलब आपको स्लैश वेयर स्लैश नेम्ड के अंदर डेटा नाम की डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, वहां पे एफडोट जोन नाम की फाइल बनानी पड़ेगी और फिर आपको अपने जोन की एंट्री करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड डॉट जोन की एंट्री करनी पड़ेगी। क्लियर है? कोई डाउट? क्या करूं मैं, हटा दूं इसको कि डेटा डायरेक्टरी बनानी है आपको? हटा देता हूं इसको, ठीक है, आपको बनानी है तो आप बना भी सकते हो। क्लियर है? ये एंट्री आपने कर ली फॉरवर्ड डॉट जोन की। एक आप रिवर्स की एंट्री करो, ये नीचे दिख रहा है आपको सबसे लास्ट वाला, इसको कॉपी करो और नीचे पेस्ट कर दो। कर दिया आपने पेस्ट। अब आपकी रिवर्स एंट्री कैसी होगी, 0.168.192 ऐसी होगी, डॉट इन, राइट। रिवर्स डॉट जूम का रिवर्स एंट्री ऐसी होगी ना, तो रिवर्स नेटवर्क है हमारा 192.168.0 0 को उल्टा कर दो, रिवर्स एंट्री ऐसी होती है। तो डीएनएस में रिजॉल्विंग ऐसी होती है, रिवर्स फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं आपको अभी। अब यहाँ पे जोन फाइल का नाम क्या रखूँ, ये रखूँ जो ऊपर है, ये रखूँ और बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप एफ डॉट जोन नाम नहीं रखो, यहाँ पे रखो एग्जाम्पल डॉट, जिससे आपको पता होगा क्योंकि आप मल्टीपल डोमेन की एंट्री करोगे यहाँ पे, तो आपको ये पता होगा कि यार हाँ मेरे फाइल का नाम ये है, ये उस डोमेन का जोन फाइल है, ये इस डोमेन का जोन फाइल है, राइट। क्योंकि एग्जाम्पल डॉट कॉम डोमेन में बहुत सारे रूट सेट होंगे, जैसे सर्वर ए डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, सर्वर बी डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, www.example.com, सर्वर डी डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, है ना, और भी सर्वर का नाम होगा उनके वो नाम से .example.com, ठीक है। तो जितने भी मेरी डिवाइसेज है मेरी कंपनी में, हर एक का एक डीएनएस एंट्री होता है, जितने भी सर्वर होते हैं डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जोन फाइल में एंट्री करेंगे और जोन फाइल का नाम होगा example.com, फाइल का पाथ क्या होगा स्लैश वेयर स्लैश नेम। सेम यहाँ पे भी रिवर्स डॉट जोन का पाथ क्या होगा स्लैश वेयर स्लैश नेम और ये फाइल का नाम। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं एंट्री, ये एंट्री क्या करते हैं हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ये कॉपी कर लिया मैंने जो जो मैंने चेंजेस किए। कर लिए कॉपी, अब इस फाइल को कर देते हैं हम सेव। क्लियर है मतलब? अब हमें क्या करना है, जोन फाइल बना, कहां पे बनाना है, नेम। तो एक चीज आपने मेक श्योर कर लेना, आपने यहां पे ध्यान दिया हो, डिफॉल्ट एंट्री है कुछ ये, यहां पे ये जो लोकल होस्ट और लोकल डोमेन एक जोन फाइल है, उसकी जो फॉरवर्ड लुकअप जोन फाइल बन रही है नेम डॉट लोकल होस्ट के नाम से बन रही है, राइट, बनी नेम डॉट लोकल होस्ट ये भी, और रिवर्स एंट्री जो बन रही है किस नाम से बन रही है, नेम डॉट लूप बैक के नाम से बन रही है। तो ये दोनों फाइल वहां होनी चाहिए, राइट, वेयर नेम के अंदर होनी चाहिए कि नहीं, नेम डॉट लोकल होस्ट फॉरवर्ड जोन के लिए और नेम डॉट लूप बैक रिवर्स जोन के लिए, राइट, होनी चाहिए एंट्री। देखते हैं हम स्लैश वेयर स्लैश नेम के अंदर गया, देखो यहाँ नेम डॉट लोकल होगा, नेम डॉट लूप बैक दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो एक काम करूंगा मैं, सीपी नेम डॉट लोकल होस्ट को एंट्री करनी हमें कम पड़ेगी, उसका फायदा ये है स्ट्रक्चर हमें बनाना नहीं पड़ेगा, बना बनाया मिल जाएगा हमें। नेम डॉट लोकल किसमें कॉपी करेंगे हम, इसमें, और नेम डॉट लूप बैक किसमें कॉपी करेंगे हम, हाँ फाइल भी बनाना कॉपी भी हो रहा है, उसका कंटेंट पूरा इसमें कॉपी हो जाएगा अंदर का कंटेंट, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल डॉट कॉम ओपन करोगे तो पूरा स्ट्रक्चर बना बनाया मिलेगा, यहाँ पे टीटीएल देख रहे हैं टाइम टू लीव, टीटीएल वैल्यू 1 डे का है, मतलब क्या है, कोई भी आप एंट्री करते हो जोन की तो वो एंट्री क्या होगा रिफ्रेश होगा डेली, है ना। कई बार नहीं होता है कि यार वो आपने एंट्री कर दी लेकिन रिजोल्विंग नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि 1 डे एक दिन लेगा वो रिजोल्विंग का, पूरा 1 डे लेगा। तो टीटीएल वैल्यू कम कर सकते हो, 1 सेकंड कर लो, 1 मिनट कर लो, एम डी की जगह एम कर दो तो मिनट होगा,
एच कर दोगे आर होगा एक घंटे में, वन की जगह टू कर दोगे टू को 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है एसओए, एसओए क्या होता है स्टार्टअप अथॉरिटी। आपकी जो भी एंट्री ए रिकॉर्ड पीटीआर रिकॉर्ड, आप जो ए रिकॉर्ड क्या होता है नेम टू आईपी रिजॉल्विंग के लिए यूज करते हो, पीटीआर रिकॉर्ड क्या होता है पॉइंटर आईपी टू नेम रिजॉल्विंग के लिए यूज करते हो, सी नेम रिकॉर्ड क्या होता है कैनोनिकल नेम होता है, एमएक्स रिकॉर्ड क्या होता है मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, ठीक है। ऐसे रिकॉर्ड के ना टीएक्सटी रिकॉर्ड होता है, ठीक है। एसआरवी रिकॉर्ड होता है डोमेन कंट्रोलर की एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिकॉर्ड बनाते हैं हम डीएनएस सर्वर के अंदर, ठीक है। तो एसओए क्या होता है स्टार्टअप अथॉरिटी, ऑथराइज कौन करेगा, कौन सा डीएनएस सर्वर कौन से डोमेन के लिए ऑथराइज है, ये नीचे वाले रिकॉर्ड जो हम बनाएंगे अभी, मतलब डोमेन के लिए ऑथराइज है हमारा एग्जाम्पल डॉट कॉम के लिए ऑथराइज है, मैंने एंट्री करी नहीं एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये ओनली एग्जाम्पल डॉट कॉम के लिए ऑथराइज है। और ये हमारा ईमेल आईडी एडमिनिस्ट्रेटर का रूट डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये पूरी डोमेन की एंट्री करते हो लास्ट में डॉट लगाना आपको जरूरी है, अगर आप डॉट नहीं लगाओगे तो आगे तक की वर्ड को डोमेन समझने लगेगा, अगर वर्ड नहीं लगा ये नहीं लगाते हो आप तो क्या होगा एग्जाम्पल डॉट कॉम डॉट रूट डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम डॉट ऐसा देगा, जो कि गलत है, या लास्ट में भी डॉट लगाना है वो लगा हुआ ऑलरेडी पहले से। ये जो लाइन दिख रही है आपको ये लाइन कब यूज करते हैं जब आप रेप्लीकेशन सेटअप करते हो डीएनएस सर्वर के, मास्टर और स्लेव बनाते हो, प्राइमरी डीएनएस सर्वर सेकंड मल्टीपल सेकेंडरी डीएनएस सर्वर है, आपने कोई भी प्राइमरी डीएनएस में चेंजेस किए वो रिफ्लेक्ट कब होगा सेकेंडरी में, रिकॉर्ड्स कब अपडेट होंगे जब आप यहाँ है ना सीरियल नंबर चेंज करते जाओगे, वन तो रिकॉर्डेड किया वन, फिर रिकॉर्डेड किया टू, फिर रिकॉर्डेड किया थ्री, फिर रिकॉर्डेड किया फोर कर दिया, फिर रिकॉर्डेड किया फाइव कर दिया, तब वो रिफ्लेक्ट होगा सेकेंडरी में स्लेव में, इसलिए हमें ये चीजें यूज करते हैं। यहाँ पे अभी यूज नहीं है इसका क्योंकि हमारे पास सिंगल डीएनएस सर्वर है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। अब एनएस का मतलब होता है नेम सर्वर, आपका डीएनएस सर्वर क्या है, मैंने बोला मेरा डीएनएस सर्वर एग्जाम्पल डॉट कॉम है अभी फिलहाल, क्योंकि एक ही जोन है, ठीक है। और ए रिकॉर्ड उसका 192.168.0.7, मेरे डीएनएस का आईपी क्या है एग्जाम्पल डॉट कॉम मेरा डीएनएस सर्वर है, डॉट लगा दिया मैंने क्यों लगा, आगे तक के वर्ड बोलेगा ऐसे, ठीक है, उसका आईपी है ये। अब आप डीएनएस की एंट्री करो अपने होस्ट की, अगर बहुत सारी डिवाइसेस है राइट, मैंने बोला सर्वर ए, नहीं नहीं मैंने बोला सर्वर वन, नहीं वो डी डी रखनी थी 0.8 सर्वर टू। अब एग्जाम्पल डॉट कॉम बाई डिफॉल्ट ऊपर से उठा ले, ठीक है, मतलब सर्वर वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम उसका आईपी 192.168.1.0.8, सर्वर टू डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम ऊपर से उठा लिया उसने 192.168.0.9, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके आरएससी में ना डीएनएस सर्वर ना डीएससीपी सर्वर, लेकिन ये दोनों बहुत काम की चीज है, इसलिए आपका है ना पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जब एग्जाम होता है ना एग्जामिनर अपने लैब पे बना के लाता है, इसलिए उसको एक्सक्लूड किया हुआ, ठीक है। ये है ना आपकी कॉन्फ़िगरेशन है फॉरवर्ड जोन की, फॉरवर्ड लुकअप जोन। अब हमें रिवर्स लुकअप जोन लाना, सेव करो इसको, मैं कोई डाउट है इसमें नहीं है ना, सेव कर दिया। अब रिवर्स लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन क्या है हमारा 0.168.192.in-header.arpa, एंटर किया मैंने, देखो ये एंट्री इसकी एसवी बुक एज इट इज है, एट द रेट हटाना है स्टार्टिंग वाला, और यहाँ क्या करना है बिल्कुल चाहिए, और यहाँ ईमेल आईडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा रूट बिल्कुल सही। उसके बाद एनएस आपका नेम सर्वर,
की है टारगेट 4 टाइम क्यों है आईयू वर्जन 6 के लिए, ठीक है। पीटीआर, पीटीआर में हमेशा आप याद रखना, आपने रिवर्स एंट्री करी है याद है आपको 0.168.192 रिवर्स जोन फाइल है, तो नेटवर्क आईडी तो 0. देखो आईपी एड्रेस इक्वल टू क्या होता है, आईपी एड्रेस इक्वल टू क्या होता है, नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी होता है, होता है कि नहीं। तो 192.168.0.10 है आईपी /24 का सबनेट है, तो नेटवर्क आईडी होगा 192.168.0, होस्ट आईडी क्या होगा 10, 192.168.0.10 ये पूरा का पूरा आईपी है, और ये आईपी /24 सबनेट का पार्ट है, तो /24 सबनेट का पार्ट है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी में, तो नेटवर्क आईडी की बनेगी 192.168.0, होस्ट आईडी बनेगी 10 लास्ट वाली, क्योंकि 4 अक्टर होते हैं आईपी में, दिखाओ तो मैंने नेटवर्क ओके, हम पीटीआर, हम रिवर्स एंट्री बात कर रहे थे, ठीक है। रिवर्स में आपने नेम सरो तो डिफाइन कर दिया, आपको रिवर्स एंट्री ऐसी करनी पड़ती है, कैसी करनी पड़ती है, बहुत ही डिफरेंट होता है, अलग टाइप का होता है रिवर्स एंट्री। आपने नेटवर्क आईडी वहां डिफाइन करी थी, याद हो आपको, रिवर्स जोन जो बनाया था आपने 0.168.192, तो आपको केवल होस्ट आईडी की एंट्री करनी है। आपको आपका आईपी क्या था, आप फॉरवर्ड डॉट जोन में देखोगे तो आपको आईपी आपका देखेगा 192.168.0.7 0.8 0.9 0.10, तो नेटवर्क आईडी जो है 192.168.0 है, होस्ट आईडी है 7.8.9.10, राइट। तो आपको वहां पे होस्ट आईडी की एंट्री करनी है, और यहाँ पे ओनली होस्ट नेम की एंट्री करी थी, पूरे एक्सपीडियन की एंट्री नहीं करी आपने, थोड़ी का server1.example.com आपने ओनली सर्वर मतलब होस्ट आईडी। तो फॉरवर्ड डॉट जोन में, फॉरवर्ड लोकल जोन फाइल के अंदर होस्ट की एंट्री होती है ओनली, हाँ नाम, पूरा एक्सपीडियन नहीं आता, और रिवर्स डॉट जोन में ओनली होस्ट आईडी आती है, ठीक है डीएनएस में। तो यहां पे आपका क्या होगा, होस्ट आईडी क्या है 7 7 आपका आ गया example.com. अब यहां पूरी एंट्री होगी होस्ट की, Ansible.8 9 10, ठीक है, और 8 में आपका जो नेम है server 1 server 2 server 3, ठीक है। अच्छा एक चीज और, आपने एक चीज मिस कर दिया, आपने Ansible की एंट्री नहीं करी, क्योंकि यही आपका डीएनएस सर्वर है ना, तो डीएनएस भी की भी तो एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। कंप्लीट है, सेव कर दिया, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आपने एंट्री फॉरवर्ड जोन की ऐसी करी है, कैट रिवर्स की एंट्री ऐसी करी है, कोई डाउट है, क्योंकि वहां तो पहले से उन्होंने पूरे डोमेन कर दिया था, एग्जाम्पल डॉट कॉम यही है ना, यही वाला डीएनएस सर्वर, लेकिन इस डीएनएस सर्वर का होस्ट नेम भी तो है कुछ, ये डीएनएस सर्वर का होस्ट नेम भी तो है कुछ, इसका नाम क्लियर।
ठीक है, इसका नाम एनसीबी लिख दिया मैंने, ठीक समझ में आ गया आपके। तो आपने क्या क्या किया, सबसे पहले ईटीसी नेम डॉट कॉम फाइल के अंदर डीएनएस एंट्री बनाई है ना, मोड लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, ये नहीं अभी अभी थोड़ी बचा लड़के, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हमें ये जो फाइल है वेयर नेम के अंदर जो आपने फाइल बनाई है, इस फाइल का ऑनर और ग्रुप क्या होना चाहिए, इस फाइल का ऑनर रूट होगा, ग्रुप नेम्ड होना चाहिए। जैसे देखो डिफॉल्ट फाइल नहीं है नेम डॉट लोकल हो, इसको ऑनर क्या रूट है, ग्रुप नेम्ड है, लेकिन जो हमने फाइल बनाई उसको ऑनर ग्रुप दोनों रूट होगा। डिफॉल्ट फाइल है, ये डिफॉल्ट फाइल है, इसको ऑनर रूट है, ग्रुप नेम्ड है, लेकिन जो हमने फाइल बनाई है ये वाली, तो उसको ऑनर ग्रुप दोनों रूट है। और यहाँ भी एग्जाम्पल तुम देखो इसको ऑनर ग्रुप रूट है, वो भी गलत है, काम नहीं करेगा। तो इसको ऑनर चेंज करना है, सॉरी ग्रुप चेंज करना है। चेंज करने के बाद अब आपको सर्विस चलानी है डीएनएस की। डीएनएस की सर्विस होती है नेम, चल रही, चेक करें चल रही कि नहीं, आईकॉन एल बहुत सही तरीके से चल रही है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब कोई मशीन पकड़ते हैं, चेक करते हैं कि डीएनएस से रिजॉल्विंग हो रही है कि नहीं, ये वाली मशीन, ठीक है, इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, एकदम सेम से मिल जाएगा, टेस्ट में बदलो बस यार। बस 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 सॉरी, ठीक है, ये मशीन है। अगर मैं भी पिंग करता हूं किसको, एंसिबल डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम को, तो क्या पिंग होगा, नहीं हो रहा, मतलब इस मशीन को रिजॉल्विंग नहीं मिल रही है, क्यों, डीएनएस की एंट्री तो करो, प्रीफर डीएनएस अल्टरनेट डीएनएस नहीं डिफाइन करता है। ठीक है, तो लिनक्स की मशीन में हम डिफाइन करते हैं ईटीसी रिजॉल्व डॉट कॉम क्लाइंट में, जिस मशीन को डीएनएस रिजॉल्विंग चाहिए उस सभी लिनक्स मशीन में ईटी रिजॉल्व डॉट कॉम फाइल के अंदर जाओगे क्लाइंट मशीन में, और यहां पे बताओगे कि डीएनएस का आईपी क्या है, तो नेम सर्वर 192.168.0.7, ठीक है, कमेंट करो। अब चेक करो पिंग करने लगा, रिजॉल्विंग मिल रही है। अब मैं फॉरवर्ड कर दूं, रिवर्स कर दूं, दोनों की रिजॉल्विंग चेक करता हूं। डिग, डिग कमांड होती है चेक करने के लिए, डिग स्पेस एग्जाम्पल डॉट कॉम, इंटर मारा मैंने, डिग कमांड ले लिया। अब इंटरनेट चलाना है तो मुझे ये वाला डीएनएस इनेबल करना पड़ेगा,
VM space install to bind as utils का पैकेट डालना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये डेस्कटॉप मशीन के लिए होती है। जितनी आप डेस्कटॉप मशीन आप मैनेज करते हो ना, सर्वर पे डालेंगे या किस पे डालेंगे, सर्वर पे स्टडी रहती है, तो सर्वर की स्टडी चल रही होगी। दो अलग अलग जोन बनाओ डीएनएस, ये वाले जोन के लिए डायनेमिक एंट्री होगी, ये वाले जोन के लिए स्टैटिक एंट्री होगी, और वो वाला जोन अपने डीएससीपी सर्वर पे डिफाइन करो और उसकी आरएडीसी की डिफाइन करो, फिर वहां पे अपने आप एंट्री होगी। ठीक है भाई, योगी पैकेज इंस्टॉल, अब चेक करें लीक कमांड। ये कौन लेके आ रहा पता, आईएसपी वाला, क्योंकि मैंने ये इनेबल कर दिया। हमें अपना डीएनएस देखना, ये है मेरा डीएनएस। मेरे डीएनएस को आपने बोला कि भाई एग्जाम्पल डॉट कॉम इसका नाम क्या, इसका आईपी क्या है, तो रिक्वेस्ट गई एग्जाम्पल डॉट कॉम के लिए, आंसर आया कि एग्जाम्पल डॉट कॉम का जो नेम है आईपी है वो ये है, और ऑथोरिटी कौन है, ये हमारा ऑथराइज दिया सर्वर एनएस आपने डिफाइन किया नेम सर्वर, फॉर एग्जांपल ये आपको ऑथराइज दिया सर्वर जो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। कितने दिन में दे रहा है, 7 मिलीसेकंड में दे रहा है। ठीक है, मिल गया आंसर, आपने क्वेश्चन एक पूछा ना, आपको बराबर उसने आंसर दिया। ठीक है, सी लीग स्पेस एनसीबल डॉट एग्जाम्पल डॉट, आपने बोला कि ansible dot example dot com क्या है, उसका आईपी उसने बताया, उसका आईपी ये, ठीक है, और उसने ये बताया कि भाई ऑथर कि उसका डीएनएस सर्वर ये है, और आपका एक एडिशनल एंट्री भी है इस डोमेन की जो इस आईपी को बाइंड करेगा। सर्वर टू लिखो आप, सर्वर टू को ही बताया, सर्वर टू का 09, इतनी एंट्री आ रही राइट, शॉर्टिंग कर दो इसकी, ये वीडियो बन ही गया ना, शॉर्ट कर सकते इसको, इसकी शॉर्टिंग कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, जैसे आप डोमेन चेक करो पूरा का पूरा एग्जाम्पल डॉट कॉम आपको स्टार्टअप अथॉरिटी एसओए बता दिया आपका, एसओए कौन, ये तो आगे ऊपर आंसर में स्टार्टअप अथॉरिटी आपको कौन ऑथराइज एनएस, आपका नेम सर बता दिया, लिखा एनएस मैंने नेम सर्वर हो जाए, शॉर्ट कर दो इसको, ये आपका नेम सर्वर एसओए, शॉर्ट कर दो एसओए, ये आपका एसओए ईमेल आईडी होता है एडमिनिस्ट्रेटर की, है ना, कि और कौन ऑथराइज डोमेन है या फिर कहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस की, इनकेस कोई मेजर रिक्वेस्ट हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट हो बताओ। ये तो आपने फॉरवर्ड एंट्री चेक करी है, अब रिवर्स चेक करना आपको, तो रिवर्स के लिए डिग स्पेस माइनस एक्स कमांड होती है, क्या होती है, डिग स्पेस माइनस एक्स 192.168.0.9 बोले सर्वर टू डाउट एग्जाम्पल डॉट कॉम इसका इस आईपी, देखो ये आईपी रिवर्स में आ रहा है। इसका नहीं मिले, ठीक है, कैसे चेक किया आपने, बिल्कुल
अब रिवर जोन चेक करें हम, ये जोन है आपका, जोन में मैं चेक करता हूँ इसके एसओए क्या है। एसओए ये सॉरी डिग में एसओए चेक करूंगा, उधर रिवर जोन डिपेंड करता है इसके एनएस क्या है, ठीक है। और अगर आप क्या बोलते हैं रिवर्स एंट्री तो आई बने 192.168.0.7.0.8.0.9 ठीक है, क्लियर। और विंडोज में आपको पता ही है ना, प्राइमरी डीएम एक डीएम से एक ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका डीएनएस सर्वर है, बन गया, बन जाएगा, सेव करूँगा।